वो खबर यह है, बीजिंग विंटर ओलंपिक पर छाया ओमिक्रॉन का खतरा। चीन ने शिनजियांग में लगाया अनिश्चितकालीन लॉकडाउन। इंग्लैंड और ब्रिटेन दोनों की खबर दिखाएं। 1,30,00,000 की आबादी वाले शिनजियांग में मिले 52 केस। 2 दिन में सिर्फ एक बार में एक व्यक्ति को बाहर निकालने की इजाजत। चीन में 4 फरवरी से शुरू होना है विंटर ओलंपिक खेल। ये बड़ी खबर हमारे पास है, सीधे यहां पर बिगोल पर आएंगे और फिर मैं डॉक्टर अरविंद के पास आऊंगा। प्ले ऑन करें, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, दुनिया में ओमिक्रॉन से हाहाकार, कौन कितना तैयार। ध्यान देखें, जर्मनी इसराइल के साथ, ब्रिटेन चौथे कोविड के टीके देने पर विचार कर रहा है। यह ध्यान दीजिएगा, जर्मनी में चौथी खुराक को जरूरी बताने के बाद लाखों नई खुराक का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट चेंज करें, चीन में 52 केस मिलने के बाद 1,30,00,000 की आबादी वाले शिनियान शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। नेक्स्ट चेंज करें, जापान ने नया केस आने पर सीमा नियंत्रण जारी रखने का फैसला लिया है। नेक्स्ट चेंज करें, सिंगापुर ने क्वारंटीन मुक्त यात्रा के लिए अपनी उड़ानों और बसों के नए टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी। मैं चाहूंगा पोलैंड की खबर और ये वॉल लेकर सीधे डॉक्टर अरविंद के पास आए। डॉक्टर अरविंद, योर टेक सर, आप जो बोल रहे थे एकदम सही हो गया, हमें क्या करना चाहिए सर? ओनली 30 सेकंड्स, प्लीज शार्प रिएक्शन दीजिएगा सर। निशांत जी, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि कुछ चीजें हैं जिस पे हमारा कोई हक नहीं है। वायरस कैसे क्या करेगा हम उसको नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपना बिहेवियर बदल सकते हैं। 2 चीजें बड़ी क्लियर मैसेज हैं। एक, वो हर व्यक्ति जिसने सेकेंड डोज नहीं लगवाई, फर्स्ट डोज नहीं लगवाई, वो तुरंत अपना वैक्सीनेशन कराए, एक। दूसरा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एक धर्म मान के हम सब प्रैक्टिस करें। पार्डन मी सर, मैं माफी चाहूंगा, आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है लेकिन समय थोड़ा हमारे पास कम है सर। आप सभी का बहुत बहुत आभार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।